जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। युवा नेता हम लोगों के पार्टी के जुझारू साथी है और आज इस कार्यक्रम की शांति देता है। ये विकास के कार्यों भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले हैं उनको भी जनता के बीच में हम लोग रख रहे हैं और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यों को यह बता रहे हैं कि यह जुमला है और उसके बाद बहकावे में आकर जो सर्व समाज के वर्ग के गरीब लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ गए थे उनको हम लोग पार्टी में जोड़ने के लिए उनके दरवाजे चौपाल लगाकर जा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज जो गठबंधन किया है पूरे प्रदेश में मुझे सूचनाएं आ रही हैं कि सब जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और मिठाइयां बंट रही हैं, पटाखे फूट रहे हैं। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो यह गठबंधन स्वीकार है और इस गठबंधन से खुशी है। यह गठबंधन केवल मात्र गठबंधन नहीं है बल्कि देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सर्व समाज का यह गठबंधन है। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नारा कार्यकर्ताओं ने लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी के घमंडों ने जो हमारा गठबंधन कराया है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया। गठबंधन को लेकर खासा उत्साहित है दोनों पार्टी के लोग। देखिए, आरक्षण के सिद्धांत है संविधान में कि अछूतों को आरक्षण दिया गया, उसके बाद मंडल कमीशन से सछूतों को आरक्षण दिया गया। भारतीय जनता पार्टी क्या सवर्ण को अछूत और सछूत बना रही है का? तो भारतीय जनता पार्टी तो सवर्णों के साथ धोखा किया, गरीब सवर्णों के साथ धोखा किया। इससे जो इनके पास समय कहां, बिना तैयारी के, मैंने उस दिन भी कहा था आज भी कह रहा हूं, जिस तरह से जीएसटी बिना तैयारी की लागू की गई, जिस तरह से नोटबंदी बिना तैयारी की ला गई, उसी तरह से सवर्ण समाज को बिना तैयारी के इन्होंने ऐसा काम कर दिया है और मानक भी इतना, फिर भी आज गरीब सवर्ण फिर चला जाएगा। 66,600 कुछ रुपया प्रतिदिन प्रति माह की आमदनी वाला सवर्ण अगर वो आरक्षण का मानक में है तो फिर दो हमारे वहां तो ऐसे भी गरीब हैं सवर्ण समाज के लोग जिनकी मासिक आय 3,000 रुपए भी नहीं है, 6,000, 5,000, 10,000, 15,000 तक मासिक आय सीमित है। तो उन गरीबों को वो कहां कम्पिटिट, 66,000 पाने वाले सवर्ण समाज के लोगों को गरीब सवर्ण समाज कहां कम्पिटिट कर पाएगा? तो यह भी एक इनका जुमला है और इस जुमले से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सवर्ण समाज भी सब लोग जानते हैं कि हम विकास के रास्ते जा रहे हैं। थैंक यू, शुरू करो।